बैठक हुई है मुख्यमंत्री के साथ, क्या चर्चा? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करने का कैमरा पीछे कर ले भाई, कैमरा पीछे को सुन लो यार। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करने के लिए प्रदेश स्तर पर होम सेक्रेटरी की राजीव अरोड़ा जी के अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत करेगी कि लोगों की दिक्कत को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए वो लोगों के जो रास्ता दिल्ली आने जाने का बंद है उसको खोलने की बात करें। सर, ह्यूमन राइट कमीशन का जो नोटिस था उस मामले में आर्थिक नुकसान को लेकर भी कोई चर्चा हुई है सर? नहीं, अभी वो नोटिस आया, अभी उसको देख रहे हैं। कमेटी में कितने लोग होंगे सर? एक कमेटी में डीजीपी भी होंगे और एडीजीपी लैंड ऑर्डर भी होंगे और कुछ और लोग भी हैं। तो किसानों को भी बुलाया गया इसका रास्ता खोलने की बात है। मैंने कह दिया ना, संयुक्त किसान मोर्चा, उसमें किसान ही है सारे। विंस साहब, एक तरफ का रास्ता है, दोनों तरफ के रास्ते? नहीं, अभी हम उनसे बात करेंगे, बात करने के बाद क्या बात होती है फिर आगे देखेंगे। धन्यवाद सर। बैठक हुई है मुख्यमंत्री के साथ, क्या चर्चा? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करने का कैमरा पीछे कर ले भाई, कैमरा पीछे को सुन लो यार। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करने के लिए प्रदेश स्तर पर होम सेक्रेटरी की राजीव अरोड़ा जी के अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत करेगी कि लोगों की दिक्कत को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए वो लोगों के जो रास्ता दिल्ली आने जाने का बंद है उसको खोलने की बात करें। सर, ह्यूमन राइट कमीशन का जो नोटिस था उस मामले में आर्थिक नुकसान को लेकर भी कोई चर्चा हुई है सर? नहीं, अभी वो नोटिस आया, अभी उसको देख रहे हैं। कमेटी में कितने लोग होंगे सर? एक कमेटी में डीजीपी भी होंगे और एडीजीपी लैंड ऑर्डर भी होंगे और कुछ और लोग भी हैं। किसानों को भी बुलाया गया इसका रास्ता खोलने की बात है? मैंने कह दिया ना, संयुक्त किसान मोर्चा, उसमें किसान ही है सारे। विंस साहब, एक तरफ का रास्ता है, दोनों तरफ के रास्ते? नहीं, अभी हम उनसे बात करेंगे, बात करने के बाद क्या बात होती है फिर आगे देखेंगे। धन्यवाद सर।